बारिश आती है जाती है, लेकिन जनता की समस्याएं वहीं की वहीं रहती है। ऐसा ही एक मामला शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी बहादुरपुरा हैदराबाद में आया, जहां पे आज हैदराबाद के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार और एमआईएम के एमएलए अहमद पाशा खद्री उनके कॉर्पोरेटर्स के साथ आज ये कॉलोनीज का निरीक्षण करते हुए एमएलए साहब यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर के साथ इस एरिया का किंग्स कॉलोनी का दौरा किया और यहाँ के हालात बहुत ही खराब है। पानी काफी दिनों से रुका हुआ है और इसका वजह यह है कि बीच में जितने भी पानी के रास्ते थे वो बंद हो गए हैं। मैंने अभी इन लोगों को ऑर्डर दिया है कि आज रात तक ये सारे रास्ते खोल दिए जाए और जो तत्काल रिलीफ है उनको एकदम दिया जाए ताकि पानी पहले निकल जाए। साथ ही साथ ये समस्या जब भी कभी बरसात होती है तो यहाँ आती है, उसका क्या सोल्यूशन है इसके बारे में भी हम काम करेंगे और एक 10-15 दिन के अंदर एक परमानेंट सोल्यूशन लेके आएंगे, उसका सैंक्शन करवाएंगे और वो भी काम तुरंत ही शुरू करेंगे। विनायक नगर चादरघाट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कुछ लोगों ने गाड़ियां जला दी, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है, मुकामी लोग काफी डरे हुए हैं। गौस नगर चंद्रांगुटा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मोहम्मद अफजल साहब के मकान में आज चोरी हुई, जिसमें 20 तोले जेवर, 60,000 रुपए कैश, 2 वीडियो कैमरास और घर के पेपर्स गायब हैं। ये बात उन्होंने बताई। मकान है जिसमें रात में हमारे रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं थी, हम 3 बजे रात को गए, वापस 7 बजे आए, आज तक ये सब चोरी हो गई, पूरा माल खुला पड़ा हुआ, 30 तोले जेवर था पूरा बच्चों का और 2 वीडियो कैमरे थे डिजिटल के, 2 फोन आईफोन थे और क्या बोलते हो 3 फोन तो डिजिटल के भी थे, वीडियो कैमरे थे, 60,000 कैश था हमारे पास और 8 घड़ियां थे, पूरे घर के पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे सब चोरी हो गए। साहब भी आए, बड़े साहब भी आए, सब देखे सर्कल साहब और हमारे साहब कौंसलर साहब भी आए, मंसूर भाई भी आए हुए हैं, उनकी मेहरबानी, वो लोग भी उनकी मेहरबानी से सबको बुलाया है, जरा हमारा माल दिला दे तो हमको बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मुसीबत ज़्यादा आया, अभी नए आए बस्ती में, हमारे साथ ये घोर हो गया, बच्चियों की शादियों का जेवर पड़ा हुआ है हमारे पास, 30 तोले पूरे चले गए, बाकी 60,000 कैश था वो भी चले गए, दूसरों को देने का वायदा था, ऐसा हो गया सर। बाकी कब गए थे आप घर से? 3 बजे रात में गए, 3 बजे सुबह, 3 बजे ठीक नहीं थी, 8 सब मिल के कुफल, 7 बजे घर को वापस आ रहे थे हम, सब एक साथ आ रहे थे हम, किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं, हमारे को तो हम नए हैं बस्ती में, हम किसी के ऊपर शक भी नहीं कर सकते। कितने साल हुआ के बस्ती में? अभी पिछले 28 अगस्त को आए हम लोग। सबसे पहले कहाँ थे आप लोग? हम लोग मलकपेट वाहन नगर में थे। हम हैदराबाद की मोहर्रम की तैयारी में हाथी रजनी को जू पार्क से लाया गया, गवर्नमेंट के सारे अधिकारियां, डॉक्टर्स और पुलिस उसके साथ थे। तेलुगु देशम पार्टी के फॉर्मर मेयर तिगला कृष्ण रेड्डी ने आज कंदुकुर मंडल के महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी का जायजा लिया और ये इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। ये सबिता इंदिरा रेड्डी जो पहले होम मिनिस्टर थे ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। रेड्डी आने के बाद 4.5 साल से जो है एक काम भी नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को, जयपाल रेड्डी साहब और सबिता इंदिरा रेड्डी को, मैं यही पूछना चाहता हूँ आज बड़मपेट जो है नगर पंचायत ही करें, नगर पंचायत को कितने पैसे आप लोग दिए सरकार से, अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं करे, जिधर का रोड उधर ही छे, करंट कब आता कब जाता नहीं मालूम, पानी कब आता नहीं मालूम, कृष्णा वाटर हैदराबाद सिटी कृष्णा वाटर लाए तेलुगुदेशम पार्टी चंद्रबाबु नायडू जब आप मेयर थे, मगर आज क्या है पीने को पानी नहीं है, इतना बारिश गिरे तो भी पीने को पानी नहीं आ रहा और जो है एग्रीकल्चर इसको जो है अभी तक पैसे नहीं दिए और मक्का और जो है टमाटे पूरा जो खत्म हो गए और कंदकूर महेश ने मैं देखा पूरा गांव में जो है आज पूरा पीने को पानी नहीं है, करंट नहीं आ रहा अभी तक, करंट भी अभी भी कटिंग है, इतना पानी गिर के श्रीशैलम नागार्जुन सागर में इतना पानी आने के बाद भी आज भी जो करंट देने को ये सरकार को नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ जयपाल रेड्डी साहब एक MP है, MP साहब अभी तक एक गांव में अब एर्रगुंटा है, पहाड़ी शरीफ है, माइनॉरिटी भाइयों को कुछ नहीं कर सके, जब तेलुगु देशम पार्टी सरकार थे माइनॉरिटी भाइयों के लिए हज बिल्डिंग बनाए, शादी खाने बनाए और जो है 9 डिस्ट्रिक्ट में उर्दू सेकंड लैंग्वेज दिए, ये सब जो मैं चंद्रबाबु नायडू साहब मुख्यमंत्री थे मेरे को पूरा यकीन है आज महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, तेलंगाना में भी तेलुगु देशम पार्टी भाग लेंगे, चंद्रबाबु नायडू साहब मुख्यमंत्री बनाए तक कोई भी नींद नहीं जाते।
शहर हैदराबाद में रचा बंडा नवंबर 11 से 21 तक चलेगा। हैदराबाद मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर मासूमा बेगम, नामपली आसिफ नगर MRO ने नामपली MLA विरासत खान से चर्चा की, जिसमें नए राशन कार्ड दिए जाएंगे, नए राशन कार्ड के एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाएंगे और दीगर मसले जो भी हैं वो डिस्कस किया जाएगा। रचा बंडा प्रोग्राम जो है सिटी में 11 तारीख से 21 तारीख तक होने वाला है और आज दारुसलाम में जो है स्पेशल डिप्टी कलेक्टर मासूमा बेगम, नामपल्ली के MRO, आसिफ नगर के MRO, KSO, ये ऑफिसर्स आए थे और हम काउंसलर्स के साथ, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर्स और हम बैठ के बात करें और कलेक्टर का ऑर्डर से कहते कि एक ही दिन रक्षा बंडा रखना, हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कलेक्टर साहब से, तो एक दिन रक्षा बंडा में प्रॉब्लम सॉल्व में होंगे, कम से कम 2 या 3 दिन देना। इसमें होगा ये कि राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, पेंशन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और फ्रेश एप्लीकेशन राशन कार्ड के और पेंशन के जो है लिए ये ऑफिसर्स लेंगे, तो इंशाल्लाह डेट आज या कल मालूम होंगी, फिर हम पेपर्स में भी जो है इसका डेट अनाउंस करेंगे कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में कब रक्षा बंडा प्रोग्राम होने वाला है। आंध्र प्रदेश क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने आज एक शोक सभा सीनियर पत्रकार मोहम्मद शरीफ जो पिछले हफ्ते गुजर चुके थे उनके ऊपर लगाई, जिसमें आबिद रसूल खान चेयरमैन आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन और अजीज अहमद जॉइंट एडिटर एतमाद उर्दू डेली, MA माजिद एसोसिएटर एतमाद उर्दू डेली और जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने में जितना मुझे जर्नलिज्म के कवर मिला है, जितना न्यूज़पेपर में मेरे को सपोर्ट मिला है, आज उससे मैं कम्युनिटी के काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के कर सक रहा हूँ और आप लोगों के जो मीडिया सपोर्ट है इससे ऑफिसर्स भी आज मेरी बात को सुनने के ऊपर मजबूर हो गए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है ये सपोर्ट एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे लिए और अगर जर्नलिस्ट जो ईमानदार हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, इनको अगर इसी तरीके से सपोर्ट करें तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये दोनों तरफा बेहतरी होगी, जर्नलिस्ट के लिए भी बेहतरी होगी, कम्युनिटी के लिए भी बेहतरी होगी और जो भी उसके कम्युनिटी से जो वाबस्ता हैं उनके लिए भी बेहतरी होगी। तो ये चीज़ को बोलते हुए मैं शरीफ साहब के फर्जन को हम सबके तरफ से यहाँ जो मौजूद हैं ये बताना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह जो करेंगे। और अभी जैसा हमारे बाखरी भाई और दूसरे लोग जो बताए हैं तो इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 25,000 रुपये में मेरे पर्सनल कैपेसिटी में शरीफ साहब के फ़ंड के लिए मैं देने का वादा कर रहा हूँ और मैं सबसे और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे पास आते हैं, जितने भी मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें, आप लोग भी अपने तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन करिए। 1 महीने के लिए हम कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे जमा करके अजीज़ भाई की सदारत में जमा करेंगे और अजीज़ भाई के पास जमा होने के बाद इंशाल्लाह फिर हम उनके घर चल के उनके लिए जो भी हमसे हो सकता है मदद करने की कोशिश करेंगे। इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता है, मगर एक कम से कम हमारे एक ख्यालात और हमारे दर्द उनके पास हम पहुंचा सकते हैं जो उनके लिए थोड़ा बहुत सहूलतमंद हो। तो ये बोलते हुए मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग एक यूनाइटिटी से आज एक जर्नलिस्ट के लिए जमा हुए हैं और हमको बहुत कुछ करना है। मेरे तरफ से आप जो भी काम है आप कभी भी मेरे से आप ये काम मांग सकते हैं, मैं करने के लिए तैयार हूँ आपके साथ हर चीज़ में, जैसा भी हो सकता है मैं आप। सुप्रीम कोर्ट में CBI के गठन को असंवैधानिक करार देने वाले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई रोक, इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस RS सोढ़ी ने की गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना, कहा CBI की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 18 सीटों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म, आखिरी दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने किया रैलियों को संबोधित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू, 4 दिसंबर को होने हैं चुनाव। मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने आंध्र प्रदेश के विभाजन की प्रक्रिया पर जताई नाखुशी, कहा विभाजन से रायलसीमा और तटीय आंध्र के लोगों की भावनाएं हुई हैं प्रभावित। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने लुधियाना में UPA सरकार के कार्यक्रमों के 5वें जन जागरण संस्करणों का किया उद्घाटन, कहा UPA सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना है इसका मकसद। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव। आंध्र
प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की मुलाकात। राज्य में हाल में आए तूफान से हुए नुकसान पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वाणिज्य और उद्योग जगत से बकाया सेवा कर अदा करने का आग्रह किया। चेन्नई में व्यापार मंडल और वाणिज्य संघ को संबोधित करते हुए कहा कि बकाया कर अदा करने वालों पर किसी तरह का अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। श्रीलंका में हो रही राष्ट्रमंडल अध्यक्षों की बैठक में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बैठक में हिस्सा लेने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। साल के सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान हेयान से फिलीपींस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। तूफान के कारण कई गांव तबाह। सीबीआई के गठन को असंवैधानिक करार देने वाले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज देगी चुनौती। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा है कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और 2G घोटाले के अन्य आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में चल रही कार्रवाई को रोकने की मांग की। उन्होंने सीबीआई की स्थापना की गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देने के फैसले का हवाला देते हुए कार्रवाई स्थगित किए जाने की मांग की। भारत और कुवैत के बीच कल नई दिल्ली में 5 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। इस मौके पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान सामरिक रिश्तों को बढ़ाने के मुद्दों पर भी चर्चा की। राजधानी दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल द्वारा बीएसएफ मेले का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का कल प्रधानमंत्री की पत्नी गुरशरण कौर ने किया था उद्घाटन। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जिनेवा में चल रही वार्ता का आज तीसरा दिन। विश्व शक्तियों के साथ हो रही इस बैठक पर सबकी निगाहें। 2 बार विफल होने के बाद मालदीव में तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए आज हो रहा है मतदान। संवैधानिक संकट टालने के लिए 11 नवंबर से पहले नए राष्ट्रपति को संभालना है पद। साल के सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान हेयान से फिलीपींस में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। तूफान के कारण कई गांव तबाह, लाखों लोग हुए बेघर। चेन्नई में विश्व शतरंज चैंपियनशिप शुरू। दुनिया के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और भारत के विश्वनाथन आनंद के बीच पहला मुकाबला ड्रॉ।